हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। मैं रेहान और मैं हूं साहिल। तो आज हम रिएक्शन करने वाले सिन फैन के एपिसोड नंबर 10 के पार्ट 1 पर। तो शुरू करते बिना किसी देरी के, हियर वी गो। गाइस यार, भाई को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फुल एपिसोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो। ये उनकी वाइफ है ना भाई? पिछले एपिसोड में लोगों ने कमेंट करके बताया, वो इनकी वाइफ के साथ जो था ना बंदा, पास्ट का जो बता रहे थे, वो शहरियार नहीं था, कोई और था। शहरियार के फ्रेंड थे वो। ओ बट अपन ने शहरियार समझा उसे। ओके, तो इनकी स्टोरी ये है, शहरियार के फ्रेंड से ये मोहब्बत करती थी, लेकिन वो बंदा शहीद हो गया, तो फिर वो इसने शहरियार ने इससे शादी कर ली। ये एक विडो है, मतलब ओके विडो ही बोलते ना विधवा को। हाँ मतलब वो बच्ची भी शहरियार की नहीं है, पता नहीं, वो देखते। पूरी सड़क पत्थर से भर गई। पॉल है ना, पॉल में ऐसे ही दिखता है, बट मुझे तो सच में शेयर है जैसा लग रहा है कि बाहर में इट्स ऑसम। बाहर बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं यार, इग्नोर करना। तुम्हें तो मेरा पोएटिक होना कितना पसंद है। हाँ पसंद है, लेकिन ऐसी बातों पे कौन पोएटिक होता है। 7 साल हो गए हमारी मोहब्बत को, और शादी के 100 साल बाद भी ऐसे ही रहने वाला है। अच्छा, चाहे मैं रहूं ना रहूं। अच्छा, मैं रहूं ना रहूं, वो वाला मैटर है। तो इनका दोस्त इनका काम कर रहा है, निकाह करके उससे। कमाल है। तभी इनके बीच में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स तो नहीं है, एक हिचकिचाहट कह सकते हैं। हिचकिचाहट भी बोल सकते हैं। हाँ किरण, कौन आया था ये? किरण सुमैया, कैसी हो? है ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। उफ, कहाँ से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, और तुम मजाले के पलट कर देख भी सको। और तुम सुनाओ, भाई कैसे हैं? तुम कितनी अच्छी लग रही हो। बात पलट रही है मतलब? हाँ वो तो मैं पहले से ही हूँ। मतलब तो फिर तुम बताओ क्या? किसी दिन तुम लोगों का खाना वाना करते हैं? हाँ मैं तुम्हें बताऊंगी। और फोन नंबर तो दो, तुम्हारा नंबर मैंने डायल किया था, वो तो लग ही नहीं रहा। काफी चीजें तब्दील हो गई हैं, फोन नंबर भी है। मानूर कैसी है? अच्छी है। तुम्हें पता है जब लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था तो वो 3 महीने की थी। अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी। हाँ, शरारती। इतना खूबसूरत है भाई। वालेकुम सलाम मैडम। जगह ले मैडम। सलाम अलैकुम स्टाफ। वालेकुम सलाम मैडम। अरे क्या बात है, मस्त लगा ना देखने में, बहुत मजा आया। ऐसी सिद्रा को क्या हुआ है? मैम उनकी कमर में मोच आ गई थी। कमर में मोच? मैडम मोच नहीं थी, वहम था। तो सारे वहम दूर कर लें, पीएमए में नई बीमारियां इंट्रोड्यूस ना करें। और एलसी नेथमी, उनका पेट खराब हो गया। नेथमी, व्हाट डिड यू ईट? मैम पाकिस्तानी फूड। व्हाई डिडंट यू ईट श्रीलंकन फूड? बिकॉज पाकिस्तानी फूड इज सो टेस्टी। और एलसी शाइस्ता को क्या हुआ है? एलसी शाइस्ता को बुखार है। कहाँ है बुखार? मैम इधर ही था। इधर ही था? अब नहीं है और अब कभी आएगा भी नहीं। यस मैम। मैम मेरे यहाँ टखने में दर्द हो रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। अगली बार आपके एक टखने में दर्द हुआ तो दूसरा मैं खुद तोड़ूंगी। तर्जुमाने माजी शाने। अरे वाह, सीख गई लड़की। सीख गई। तराने का मफहूम आता है आप सबको? Anyone who can tell me what our national anthem means? ये वही कौमी तराना है जो बचपन से आप पढ़ती आई हैं, लेकिन आप में से कोई मुझे ये नहीं बता पा रहा कि उसमें आप कह क्या रहे हैं।
हाईली डिसअपॉइंटेड एलसीज, हाईली डिसअपॉइंटेड। ये लोग किसी चीज से खुश ही नहीं होते, चाहे कुछ भी कर लो। सारी रात रोमन लिख लिख के रट्टा मार मार के तराना याद किए और अब कहते हैं मतलब ही बताओ। वैसे बात तो सही है, ये तो मैंने भी पहली बार सोचा है कि तराने का मतलब क्या होता है। पाक सर जमीन शाद बाद, कीश्वरे हसीन शाद बाद। पतान साहब मतलब भी तो बताओ। भी तो जरूरी है। ओए होए अम्मा, आपको भी साथ जाना चाहिए था ना। आप साथ होती तो आपको पता चलता कि कितनी इज्जत मिल रही है मुझको और शाइस्ता को। बड़े बड़े ऑफिसर जो है ना सलूट मार रहे थे। पीएमए की बेहतरीन ऑफिसर बनकर निकलेगी। फोन और सेफ, जल्दी चोल आना। गलत हो गया मैडम। आपको सीधे और उल्टे का फर्क नहीं पता कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है? इज्जत बख्शी जा रही है। मैडम ये आपका सीधा है, उल्टा है। मैडम मैंने आपसे उल्टे हाथ का पूछा, सीधे हाथ का पूछा स्टाफ। मैडम तो आप उल्टा क्यों बता रही है? स्टाफ उल्टा सीधा पूछे है ना। लॉर्ड ऑफ ऑनर लेकर निकलेगी मेरी बेटी। लॉर्ड ऑफ ऑनर निकलेगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी पर कर लेगी। मेरे वाली मामत को छोड़ के शाइस्ता को भर्ती कर दी है। ये दादी, मैं पूछती हूँ अब क्या बात पे औरतें लड़ेंगी? क्यों वाली मामत? मत पूछो तुम, लड़ना ही नहीं होती फौज की ड्यूटी। तो और भी कई चीजें होती फौज में। कमांडेंट खुद रिसीव करने आया था हमें कि माशाल्लाह आपकी बेटी यहाँ आ गई है, इतनी लायक इतनी काबिल बेटी। माँ बाप कितने काबिल होंगे कह रहा था। और माँ जबीन की तो क्या ठाट है वहाँ, है ना? अरे वाह, साफ नहीं हो रहा। मैडम मैंने कौन सा आपको केडू की पहाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया है जो आपसे नहीं हो रहा? आपसे ड्रिल नहीं हो रही मैडम। साफ कर तो रही हूँ ड्रिल में। ये जो आप कर रही हैं इसको ड्रिल नहीं कहते? क्या कहते हैं फिर इसे? ड्रिल की छल कहते हैं। बंद ले और आज से जल्दी छोड़ आना। लाइट चली गई भाई, सच पॉज कर दिया हमने, लाइट चली गई भाई। तो गाइस लाइट आ चुकी है, शुरू करते हैं। अरवी तो पूछो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी इज्जत करवाएगी माँ जी बहन हमारी, इतना नाम बनाएगी हमारा। जनरल तो वो जरूर बनेगी, फादर है। सब लोग यही कह रहे थे वो बलूचिस्तान वाली है ना, लेकिन थोड़ा सा लंबा लग रहा है। बस मेरी बेटी ने जिद की और मैंने रोका। वैसे मेरी बेटी जहाँ भी जाती है माशाल्लाह झंडे गाड़ कर आती है। मैं कहानियां छोड़ कर आनी, मुझे पूरा यकीन है। I'm so proud. One. Check. Check. ओ चल गया, गिरने वाली है। चक्कर आ रहे हैं। झंडे गाड़ के आ रहे हैं। छोड़ दे मैडम, छोड़ दे। आप खड़े हैं मैडम अपनी जगह पे। उनको पता है ये तो होते रहता है। जैसे इज्जत उधर सरदार और उसके बेटे को मिला ना, जैसा लग रहा बिल्कुल इसी तरह का इज्जत हमको और हमारे बेटी को भी मिला। अभी खानदान और कबीले का इज्जत उधर से पास आउट होकर और बढ़ाएगा वो। मैडम परिवाश, इस तरह की ड्रिल तो कब्रिस्तान में मुर्दे भी नहीं करते। मुर्दे इस तरह की ड्रिल के साथ तो 100 साल के बाद भी आपका सुरुल टेस्ट पास नहीं होगा। सो का जवाब सो से। भाई से चले चला। बोल ठो। शेर जैसा दिल है हमारा बेटी का, शेर जैसा। बलोचों का दिलेरी और जुर्रत है उसका अंदर। ऐसा आंखों में आंखें डालकर उधर सबसे बात करेगा और मुकाबला करेगा। जमाल तुमको सरदार बुला रहे। सरदार का बुलावा आ गया। अब सरदार क्या बोलेगा? ये सरदार के तो इंतजाम कर दिया था इन्होंने सही साठ। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है सरदार कुछ हेल्प के लिए पूछे।
हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ोतरी मत कर तेरी बेटी की, ये वो कोई ना बोल दिया हो तो। सलाम सरदार। सलमान आपने बुलाया सरदार? सलमान बेटी को शहर में पड़ा है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ, फिर फौज में भर्ती कराया, किसी ना पूछा ना इजाजत लिया। तो तेरे को सजा क्या दूं? सरदार बच्ची को शौक था, वो उधर भाई के घर गई थी, खुद से पढ़ना लिखना शुरू किया उसने। बेवकूफ बनाते क्या, पागल समझे क्या? बेटी को लड़कों के साथ पढ़ाया, किसी को खबर नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, दोबारा ऐसा कुछ ना करना कि मुझको तेरी खबर लेना पड़े। नहीं नहीं सरदार, बस ये पहला और आखिरी गलती समझकर उस माफ कर दो, आइंदा नहीं। जाया सलाम। कर नहीं सकता ना, फौजियों को ज्यादा इज्जत अफजाई कर दी थी ना। आपकी बराबरी की है सरदार, इसने जहाँ आपका बेटा गया है वहाँ भेज दिया अपनी बेटी को इसने। पर लड़का लड़की बराबर थोड़ी हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी होगा कि लड़की हरा दे लड़के को, सरदार का बेटा ही जीतेगा हर चीज़ में। इनका अलग कंपटीशन होने वाला है भाई, कितना मिलता है यार ये सलमान खान में। ओहो, मैं इनका ही वेट कर रहा था, इनको इतना कम क्यों दिखा रहे यार। वाह वाह, एक प्रिंस लग रहे हैं। प्रिंस, वो प्रिंस वाली कार में प्रिंसेस की मदद करने वाले। मामा ये वो वाले प्रिंस। हाँ यही है वो प्रिंस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं तो इंतजार करती रही कि मुझे कॉल आएगी या वीकेंड पे तुम मेरी तरफ आओगी। फोन निकालो सबसे पहले अपना और मुझे नंबर दो। तुम्हारा नंबर है ना मेरे पास, मैं तुम्हें अपना नंबर टेक्स्ट कर दूंगी। ये दिखाना नहीं चाहती हो, ये सिचुएशन को वापस फेस नहीं करना चाहती हो। अच्छा, तैमूर भाई को बताया हमारे बारे में? हाँ बताया। बता देना चाहिए यार, भूल ही गई, मुझे ग्रोसरी के लिए जाना था। मैं तुम्हें अपना नंबर भी टेक्स्ट करूंगी, फिर तुमसे फ्री होकर कॉन्टेक्ट भी करूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। मानूर कम, लेट्स गो। आपका बेटा घर शिफ्ट हो रहा है तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें। सर नो इश्यूज, आई विल मैनेज। नो नो, आई एम फ्री एंड आई वुड लाइक टू कंडक्ट इट मायसेल्फ। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। ओहो क्या बात है, कहाँ जा रही थी मेरे बगैर? नहीं वो मैंने सोचा घर जाके चाय बना लेती। गुलजमान है ना उसके लिए। इसको छुपाना नहीं चाहिए यार, इसको सब सच बता देना चाहिए। अब जो हो जो होना था वो तो हो गया है। स्टोरी पूरा तरीके से बताएंगे ना, शायद अपने को पूरा फ्लैशबैक बताएंगे उस हिसाब से। हमारे हिसाब से थोड़ा ना चलेगा भाई, जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होगा लिखा हुआ होगा। तो गाइस ये वाला पार्ट जो है हम यहीं पर एंड करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। फिलहाल इस पार्ट की बात करते हैं, तो इस पार्ट में जो है काफ़ी चीज़ें दिखाई, स्पेशली ट्रेनिंग वाला सीन जो काफ़ी फनी लगा मुझे। एक तरफ उनके घर वालों की तारीफ करते हुए बता रहे थे, वहीं इधर अपने बच्चों की तारीफ कर रहे थे वो उस तरफ, और इधर उनके बच्चे बेहोश हो रहे थे वर्ड टू वर्ड जो जैसा बोल रहा है। अरे हमारे तो फौजी फैमिली से कुछ नहीं होगा तो बेहोशी हो गई। वो बोल रही थी 100 बार का कुछ बोला था उसके हस्बैंड ने, उसके पापा ने उधर, और इधर वो स्टाफ ने बोला कि तुम 100 साल तक ड्रिल नहीं हो पाएगी। वर्ड टू वर्ड जवाब मिल रहा था इधर, तो बहुत मज़ा आया वो वाला सीन देख के। बाकी अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या स्टोरी बिल्ड होगी आगे। आप बताओ कमेंट करके कैसा लगा आज का लेक्चर, अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।